देखना यह है कि यह ना हो कि नादा गिर पड़ा सजदे में जब वक्त क्याम आया। यानी अगर अब मुझ से मैं खुद अपने आप से ये एक्सपेक्ट करूं कि मैंने जनाब जो है ना वो फजर से लेके तो 11 बजे तक मस्जिद में बैठना है और इतने सपारे पढ़ने हैं, सपारे तो सर पिछले 1400 साल से लोग पढ़ रहे थे, चले पहले 200-250 साल को निकाल दें, 1300 साल से या 1200 साल से दुनिया में क्या चेंज आई है, सारे कब्र प्रस्तों के साथ अटैच करके चले गए। तो सपारे पढ़ने वालों की, नमाजें पढ़ने वालों की, नफली नमाजों की बात करूं, फर्ज नमाज तो जरूरी है, नफली रोजे रखने वालों की इस वक्त उम्मत को जरूरत नहीं है। उम्मत को जरूरत है इस वक्त उन लोगों की कि जो लोगों के अकीदों को सही करके उन्हें नबी इस्लाम के साथ जोड़े। एक बंदे के अकीदे में शिर्क है, वो रोजाना फजर से इशराक तक मस्जिद में बैठा है, अम लेके उठे, 20 तरावियां पढ़िया, हर तरावी इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन पढ़े, लेकिन जुतियां ली जगह आके कह रहे या अली मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद। इसका मतलब है उस तरावी ने उसकी जिंदगी पे कोई असर नहीं छोड़ा। तो इससे तो बेहतर था ना पढ़ता, कम से कम अपना अकीदा सही कर लेता, सिर्फ फर्ज पढ़ के ही आ जाता, जूतियों वाली जगह पे दूसरा सलाम फेर लेता, वो बेहतर था। रेशो प्रोपोर्शन देखें, किसी शख्स का उंगली कट जाना ज्यादा मसला है या उसका हार्ट फेलियर बड़ा मसला है? वो तो जान ही चलेगी ना, ये हार्ट फेल हुए हैं इनके, गुर्दे इनके फेल हो चुके हैं। आप जनाब कह रहे हैं कि जनाब इनकी ये उंगली पे जख्म है, ये पीप है, तो मैं इसके ऊपर पलता लगा दूं, लांदे रहो फजर तो इशराक तक पलते मलते रहो, कुछ भी नहीं होना। ऐसे कैंसर बने हैं अकीदे का।